ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नए साल के पहले दिन हमें कौन कौन सा वह कर्ज है जिसे जरूर करना चाहिए। तीन ऐसे काम जिसे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर आप नए साल के दिन करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी, आप पूरे जीवन भर खुशहाल रहेंगे। आप जो नया साल आने वाला है उस नए साल में प्रवेश करते ही आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां आना शुरू हो जाएगी, चाहे धन दौलत की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई बात क्यों ना है, चाहे शादी वाला मामला हो, चाहे संतान वाली मामला हो, हर एक प्रकार के आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो चलिए आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं कि वह कौन कौन सा ज्योतिष शास्त्र में तीन काम बताया गया है जिसे हर एक इंसान को करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एक दिन, हर एक तारीख, हर एक महीना अनेकों प्रकार की बातें बताई गई है कि किस दिन आपको क्या करना है और किस दिन आपको क्या नहीं करना है। लेकिन नया साल हर किसी के लिए खास होता है और नए साल की शुरुआत हर किसी को एक अलग ढंग से करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि वह कौन कौन सा तीन काम है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुकेश मंत्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से छोटी सी अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए बताते हैं नए साल में आपको सबसे पहला जो कार्य है वह कौन सा कार्य है जिसे जरूर करना चाहिए। देखिए, सूर्य देव को इस दिन आपको अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। वैसे तो सूर्य देव को हिंदू धर्म ग्रंथों में जल देना सालों भर बताया गया है कि आप सालों भर जल दे सकते हैं, लेकिन नए साल के दिन जल देना अत्यंत शुभ माना गया है। और कहा जाता है जो व्यक्ति नए साल के दिन सूर्य को जल देते हैं उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, उनके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशहाली आने लगती है और वो पूरे साल आनंदित रहते हैं। वो पूरे साल पैसों के लिए नहीं जूझते, धन दौलत के लिए नहीं जूझते, वो जो भी चाहते हैं, उनकी जो भी इच्छाएं होती है वो सारी पूर्ण हो जाती है। दूसरा कार्य हुआ है, चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा है। दूसरा कार्य है आपको तुलसी जी का पौधा अपने घर में नए साल के दिन जरूर लेकर लगा देना है। अगर आपके पास में तुलसी जी का पौधा है तो कोई बात नहीं है, आप वहां पर साफ सफाई करके उसकी पूजा कर लीजिए। अगर नहीं है तो नए साल के दिन तुलसी जी के पौधे को उठा लीजिए और अपने आंगन में इसे ले आकर के लगा लीजिए। लगाने के बाद में नए साल के पहले दिन आपको यहाँ पर पूजा पाठ करनी है। और याद रखें कि शाम के समय, नए साल के दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के पास में दीपक जरूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी जी की पूजा करते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की, उनके ऊपर असीम कृपा बनी रहती है। जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आखिर आपको वह तीसरा कौन सा काम है जिसे नए साल के दिन जरूर करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं गणपति को, भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है और किसी भी शुभ कार्य में गणपति का ही पूजा किया जाता है, इसलिए आपको नए साल के दिन गणपति भगवान का एक मूर्ति बाजार से खरीद कर लाना है, अपने घर में स्थापित कर देना है, उसके बाद में उनकी पूजा करनी है। अगर आपके पास में भगवान गणेश की पहले से मूर्तियां हैं तो आप उनको अच्छी तरीके से साफ सफाई कर सकते हैं और वहां पर गणपति की पूजा कर सकते हैं और अपने जो नए साल आने वाला है अपने लिए सुख समृद्धि की कामना भगवान गणपति से कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति ये तीन कार्य करते हैं पूरे साल वो खुशहाल रहते हैं, उनके जीवन में जो परेशानियां आने वाली होती है, जो कष्ट आने वाली होती है वो सब समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये तीन कार्य आपको जरूर करना चाहिए।